स्ट्रेस का पेन से बहुत गहरा ताल्लुक है। स्ट्रेस से बेसिकली ये है कि कहीं दर्द नहीं भी हो रहा होता ना तो वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आपने सुना हो फ्रोजन शोल्डर कहते हैं इडियोपैथिक है, और अगर आप रिसर्चेस पढ़ें तो उसमें वो रिलेट हो रहा है कि वो आपको स्ट्रेस से डेवलप हो रहा है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग एंजाइटी। फ्रोजन शोल्डर तो फिर मतलब हमें दिमाग से नहीं हुआ, फ्रोजन शोल्डर तो ये कि हमारा हाथ नहीं उठ रहा। क्यों नहीं उठ रहा? एकदम से हाथ उठना कैसे बंद हो गया? क्यों उसकी रेंज पूरी नहीं हो रही? क्यों इतना सीवियर पेन है? किस वजह से? तो ये है कि स्ट्रेस जो है हमें हमारी पूरी फिजिकल बॉडी को भी मफलूज कर देता है। अगर आप जहनी तौर पे आप अच्छे नहीं हैं, आप कभी भी जिस्मानी तौर पे अच्छे नहीं रह सकते। अगर कोई स्ट्रेस में है, वो 2 घंटा अकेले बैठना चाहता है, उसने अपनी ज़िंदगी जो उसने बाहर रोशनी देख के या एक्सरसाइज करके या वॉक करके वो जो ज़िंदगी उसने अपनी इंजॉय करनी थी, अपने आप को बेटर बनाना था, वो उसने 2 घंटे अंधेरे बंद कमरे में गुजार दिए, वो कैसे फिज़िकली फिट रह सकता है? तो स्ट्रेस का फिज़िकल बींग से बहुत गहरा ताल्लुक है। फर्स्ट मैं कहती हूँ मेंटल हेल्थ आती है, उसके बाद फिज़िकल हेल्थ आती है। अगर कोई समझे फिज़िकली फ़िट भी है ना, अगर फॉर इंस्टेंस किसी को स्ट्रोक हुआ है, आपने उसकी फ़िज़िकल रिहैब करवाई आपने महीनों से करवाई और वो उसके हाथ पांव काम करने लगे, उसकी पावर आ गई, लेकिन उसकी वजह से जो उसकी जॉब गई, जो उसकी वजह से वो बेड रिडन रहा पूरा साल, जो उसकी वजह से उसने लॉसेस उठाई, जो उसकी वजह से उसकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज हुई, अब वो उसका ट्रॉमा कैसे लेंगे? वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। तो पहले आपको मेंटल वेलबींग पे काम करना है। आप एक इंसान को इतना मोटिवेट करें कि तुम्हें ठीक होना है, आप उसको ऐसा काउंसिल करें, जब वो जहनी तौर पे मजबूत होगा उसकी फिज़िकल रिकवरी उतनी ही क्विक होगी, वो उतनी जल्दी अपने पाँव पे खड़ा होगा।